गुड मॉर्निंग। सो आज है आई बोड़ो भात और आज ब्रेकफास्ट में था आलू पराठा, ये अचार और धनिया पुदीने की चटनी। इट वॉज सो यम्मी। क्या लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। क्या कर रही है? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये क्या है? अच्छा लग रहा है। तो और कर ऐसे। अगर इस साथ में वहां पे बैठूंगी ऐसे पलटी मार के उसमें ये तू तो तू कवर करेगी फिर हेड को। हट, कवर क्यों करूंगी? ये कोई पूजा पाठ चल रही है? हाँ तो इतना ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ऐसे है। 80। सो आज है डे 2 और अभी है आई बोड़ो भात सेरेमोनी, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं बस। और ये है स्नेहा जो भी चुप रही है। बेसिकली आई बोड़ो भात एक बंगाली वेडिंग रिचुअल है जहाँ पर ये ऑफिशियली ब्राइड का लास्ट मील कहा जाता है जो अपने घर पे अपने माँ के घर पे। और ये सारे प्रिपरेशंस बड़े प्यार से छोटी ने, मतलब जो ब्राइड की मम्मी है मेरी मासी, उन्होंने बनाए हैं। मेरी मम्मी ने और आंटी आंटी ने भी काफ़ी मदद की है। एंड लुक एट जोरो, ही वॉज लुकिंग सो क्यूट दैट डे। सबसे पहले निवाला ब्राइड की मम्मी खिलाती है, तो ये है छोटी मेरी मासी यानी कि ब्राइड की मम्मी, तो वही फर्स्ट निवाला खिला रही है। बेसिकली आई बोड़ो भात में जो होता है उसमें 5 तरीके के फ्राइड आइटम्स जैसे माछ भाजा, बैगून भाजा, शीम भाजा, पोटल भाजा और भी कई सारे जो फ्राइड आइटम्स होते हैं वो होते हैं, और खीर, एक कुछ तो मीठा आइटम होता है, सलाद होता है, फिर दाल, चिकन एंड ऑल। तो सारे बंगाली प्रिपरेशंस थे। एंड सिनिन दीदी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी अपनी खुद के आई बोड़ो भात। वो खुद ही बता रही थी कि मुझे बैगून भाजा चाहिए, मुझे माछ भाजा चाहिए। तो काफ़ी मस्ती की हमने उस दिन। ফাল তো খাবেই, যেদিন খাবে সেদিন 3 ঘন্টা এইটুকু আমার একটা ফটো তো খিচতে পারো, ও ভিডিও বানাচ্ছে, তুই ফটো খিচ্ছি না? না। চলো পরে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। কিছু সিগন্যাল দিয়ে দেয় না দুটো ক্যামেরাম্যান। ডান ভুক লেগে মেয়ে চিকেন আরেকটু খাওয়াতে হবে নাকি? তোর ইচ্ছা, চিকেনটা খাওয়া একটু।
छोटा पैकेट छोटा बेबी छोटो तुल में निकालो भैंस निकाली राम अच्छी आएगी रे रोड वो अपनो भूला नहीं है वर्ड का चलो कोई ना दिए ये तो क्या परिशो मुझे मत निकाल रे ये देखो जरा मजा की मजा आज तू खाई दो तो जो उसके चम्मच छिटने की कोशिश कर मतलब भाजी आते आते सो गाइस आई बड़ो भात सेरेमनी हो गई है। सो उसके बाद हम सभी लंच करने बैठे। ये छत पे अरेंजमेंट खालू जी ने की थी जहाँ पर हम सभी बैठकर लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। वीडियोग्राफर फोकस आज लंच में था चावल दाल ग्रेवी वाला चिकन और आलू गोभी की सब्जी। सो यम्मी। लंच करते ही हम लोग निकल गए क्योंकि मुझे और स्नेहा को पैसिफिक मॉल में कुछ काम था। कल इंगेजमेंट है तो उसके लिए ही कुछ खरीदना था हमें, तो हाशिम ने हमें पैसिफिक मॉल ड्रॉप कर दिया। 3:30 घंटे में आ जाओगे ना? मोटा मतलब रात को 8 बजे तक आ जाऊंगा। 3:30 घंटे रात को 8 कैसे? रात को 8:30 नहीं और हुडा ब्यूटी का जो क्रीम ब्लश है वो उन्होंने लगा दिया था। प्रिटी प्रिटी प्लीज वाओ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है।